तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं आशीष बताऊं कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले एक मेलोडी के ऊपर जिसका नाम है माँ संतोषी मेलोडी। तो बस आज की इस वीडियो में हम इसी मेलोडी के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। भाई, ये भी हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि हम इस मेलोडी के ऊपर जाकर रिएक्शन करें, तो बस आज की वीडियो में स्पेशली उनके लिए ही बना रहे। तो गाइस, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें। और अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगेगा तो वीडियो क्या करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो वहां पर अब ज्वाइन का बटन आ रहा होगा, तो ज्वाइन का बटन जरूर से दबाना और अपने चैनल को सपोर्ट जरूर से करना। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, तो उसे भी जाके जरूर से ज्वाइन कर लेना भाई। चलो जल्दी से जाते हैं स्क्रीन पर और रिएक्ट करते हैं इस मेलोडी के ऊपर, आखिर कैसी मेलोडी है। तो चलो 1 2 3 गो। हाइपर प्रकृति दियो भगवे सलाम करो छे, तू काफी बड़ा है। हाइपर लेकिन जैसे कुछ पैर बन We'll be right back.
और भाई ये थी मेलेडी माँ संतोषी मेलेडी। और भाई इस मेलेडी की खासियत ये थी कि स्टार्टिंग में जो सिंगिंग सिंगर्स ने सिंगिंग की वो भी बढ़िया थी, और फिर उसके बाद जैसे इन्होंने स्टार्ट किया तो वो भी काफी बीच बीच में ना एक चीज जो नहीं है पियानो बजाने वाला, उनका काफी अच्छा काम लगा मुझे। मुझे सही में इसमें इस वाले सबसे पहले जो ये है ना मतलब की मेलेडी जो भी है एक क्रू है ना, मुझे सबसे पहले ये जो कीबोर्ड का काम कर रहे थे ना मुझे वो ज्यादा मतलब ज्यादा अच्छा लगा सही बोलू मैं तो। ढोल भी बहुत अच्छा था, वो एक ही रिदम में चल रहा था, पर जो पियानो का काम चल रहा था ना जो कीबोर्ड का काम चल रहा था भाई जबरदस्त काम चल रहा था और भाई काफी बढ़िया लगा। बाकी ओवरऑल वीडियो देखी जाए तो काफी बढ़िया थी, लेकिन एक होता है कि मेन अट्रैक्शन वही बनी कि पीछे जो कीबोर्ड है वो काफी अट्रैक्ट कर रहा था जिस तरीके से वो बजा रहे थे, तो बाकी वो ना अपनी बेस डाल रहा था और वो काफी जबरदस्त लग रही थी। ढोल में हम नहीं बोल रहे कि ढोल में ऐसा कुछ नहीं था या कुछ नहीं, ढोल भी बहुत अच्छा था, पर वो बोलते ना कि कैची पॉइंट बड़ा अच्छा था वो था कीबोर्ड, यार कीबोर्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था तो काफी जबरदस्त लगा। बाकी आप सबको ये वीडियो कैसी लगी अपना ओपिनियन हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर करना। चलिए आज की गपशप यहीं पर खत्म करते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगेगा तो वीडियो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो वहां पर आप ज्वाइन का बटन आ रहा होगा तो ज्वाइन का बटन जरूर से दबाना और अपने चैनल को सपोर्ट जरूर से करना। तो चलिए मुलाकात होगी आपसे हमारी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।